मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के नए रोडवेज के सामने मुरादाबाद वेलफेयर ग्रुप की तरफ से सभी आने जाने वाले राहगीरों को अन्नपूर्णा रसोई घर का आयोजन कर आज कड़ी चावल और लड्डू के प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सभी राहगीरों ने कड़ी चावल के प्रसाद को खाकर आनंद उठाया। जब हमारी टीम ने वेलफेयर ग्रुप के अध्यक्ष सुबोध मेहरोत्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लॉकडाउन के बाद पिछले 10 महीनों से मौसम व पर्व के अनुकूल विभिन्न प्रकार के भोजन आदि का प्रसाद वितरण करते आ रहे हैं। हम मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के नए रोडवेज के सामने इसलिए करते हैं क्योंकि आने जाने वाले यात्री जब भूखे आते हैं तो उन्हें यह मुफ्त भोजन खिलाया जाता है, जिससे हमारे मन को बड़ा सुकून मिलता है और हमारे वेलफेयर ग्रुप के सभी लोग मिलकर इस भंडारे का आयोजन कराते हैं। महाशिवरात्रि के एक दिन बाद इस शुभ अवसर पर हम प्रसाद का वितरण करा रहे हैं। मुरादाबाद वेलफेयर ग्रुप के अध्यक्ष सुबोध मेहरोत्रा, सचिव प्रभात अग्रवाल, अजय गुप्ता, प्रवीण गर्ग, विपिन अग्रवाल, सुयश अग्रवाल, प्रमोद जैन, विमल अग्रवाल, मुकेश टंडन आदि ने सक्रिय सहयोग किया और इसमें सभी समाज सेवी शामिल रहे। कोशिश रहती है कि कोई भी यहाँ से ऐसा ना जाए और हम सब। अच्छा, और जो और लोग हैं समाज से भी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस जुड़े इस भंडारे, सभी लोग इस भंडारे में आते हैं, जितने लोग हमसे जुड़ते रहेंगे उतने आगे हम और संस्था बन रही है, सहयोग होता रहता है। मैं अजय भाई सब सीएल गुप्ता वाले सब जुड़े हुए हैं, प्रवीण घर इफेक्ट्स वाले हैं और इसका प्रेसिडेंट मैं हूँ सुबोध मेहरोत्रा, ये हमारे सेक्रेटरी है प्रभात अग्रवाल जी। अच्छा, कब से ये आप जो ये हम लोग करीब 10 महीने से चला रहे हैं ये भंडारा, और पहले लॉकडाउन से पहले भी चलता था, लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन के बाद से भंडारा चल रहा है और ये हर शिवरात्रि पे या कोई भी अमावस्या होती है, कोई भी पर्व होता है तो हम ये भंडारा जरूर लगाते हैं। तो किस चीज़ का वितरण किया जा रहा है ये इस टाइम? तो जो है हम लोग इस कड़ी चावल और लड्डू का वितरण कर रहे हैं। टाइम टू टाइम अलग 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 करते रहते हैं, कभी कचौड़ी खिलाते हैं, कभी कोई चीज़ खिलाते हैं, तो ये भंडारा हम लोग का लगातार चलता रहता है। अच्छा, रोडवेज के पास में ही क्यों चुनी है ये एक्चुअल में रोडवेज के पास बाहर का यात्री आता है, जिससे कि क्या कहते हैं भूखा आदमी यात्रा है, तो उससे हमें बड़ा सहयोग मिलता है और संतुष्टि मिलती है हमारे क्लब के लोगों को कि भाई इस तरीके से भूखे लोगों को हम लोग जो है कुछ खाना खिला पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतना जो है लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। धन्यवाद।